और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी की खबर है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई की रेड हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है और खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने कई ट्वीट किए हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि स्वागत है क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है और ये दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है और छापेमारी की जा रही है। खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट्स के जरिए इस छापेमारी की जानकारी लोगों से साझा की है। कई ट्वीट्स उन्होंने एक के बाद एक किए हैं और लोगों से इस बात की जानकारी उन्होंने साझा की है कि इस वक्त उनके घर पर सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है सच सामने लाने के लिए सहयोग देंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी की जा रही है, ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है और इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए साझा किया। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है।